सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल द टॉप टॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज के बारे में। वैसे तो आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसी वेब सीरीज जो कि कंप्लीट है और आप बिना किसी रुकावट के उसे देख सकते हैं, जैसे कि हमें 1 साल का वेट करना पड़ता था कभी कभी कोई भी वेब सीरीज में। सो ये जो 5 हम वेब सीरीज आपके लिए लेके आए हैं ये एकदम कंप्लीटेड है और हमने टॉप 5 रेटिंग को दी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सो नंबर 5 पे आती है हमारी सीरीज द वैम्पायर डायरीज। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और ये फर्स्ट प्रीमियर हुई थी सितंबर 10, 2009 को और इसका फर्स्ट सीजन भी तभी आया था और इसके टोटल 8 सीजंस हैं विद 71 एपिसोड्स। ये सीरीज काफी अच्छी है और जिसको रोमांटिक ड्रामा वाली सीरीज पसंद है वो ये सीरीज देख सकता है। तो बात की जाए इनके मेन कैरेक्टर्स की, तो इनके मेन कैरेक्टर्स में जिनका नाम है वो है डेमन सेल्वेटोर, स्टेफन सेल्वेटोर और अलीना गिलबर्ट। ये तीन जो हैं ये मेन कैरेक्टर हैं और इनके साथ जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है कैथरीना पियर्स, कैरोलिन फॉर्म्स, बॉनी बेनेट और भी बहुत सारे हैं। सो इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एलिना गिलबर्ट और कैसे उसके मॉम डैड जो है वो कार क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है और ये एक टीनेजर एज गर्ल है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है और इसको स्टेफन सेल्वेटोर से कैसे प्यार हो जाता है, कैसे वो एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। वैसे तो इनकी शुरू में बहुत बनती थी लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको डेमन सेल्वेटोर से प्यार होता गया और कैसे ये स्टोरी लाइन चली है आप सबको देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को रोमांटिक लव स्टोरी पसंद है तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। वैसे तो ये थोड़ी सी लंबी भी है, 8 सीजन है और 171 इसके एपिसोड्स हैं, लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बीच बीच में थोड़ी सी बोरिंग भी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया है सो इसको हमने नंबर 5 पे रखा है। 4 पे आती है सीरीज द मनी हीस्ट विद IMDb रेटिंग ऑफ 8 आउट ऑफ 10। सो बात करी जाए इनके मेन कैरेक्टर्स की तो उनमें है द प्रोफेसर, बर्लिन, टोक्यो, डेनवर, रियो और बहुत सारे हैं और भी। और क्या ही सीरीज बनाई है भाई, इतनी अच्छी, इतना मतलब पूरा दिमाग अंदर घुस जाता है क्या प्रोफेसर कर रहा है, प्रोफेसर का दिमाग कैसे बनाया यार, वो कैसे बनाया, बहुत ही बढ़िया दिमाग है उसका, हर बार पुलिस से 2 कदम आगे चलता है। और आप सबका फेवरेट कैरेक्टर जो कि है बर्लिन, उसको भी बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वैसे मेरा भी वो फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन प्रोफेसर वो तो अलग ही लेवल है भाई, कैसे वो स्टडी करते हैं 6 महीने और कैसे वो चोरी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये वेब सीरीज देखा हुआ है और बहुत पसंद भी किया है क्योंकि इसका एक सीजन ऐसा है जिसकी रेटिंग 9.2 भी गई हुई है और इसके 5 सीजन है और पांचों ही बहुत ही कमाल है, कैसे प्रोफेसर उनको टीच करता है और कैसे उन्होंने रॉयल मिंट में इतनी बड़ी चोरी की, कैसे इतने नोट छपाए, भाई साहब ये भी सीरीज देखने लायक है। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव भी है क्योंकि जब मैंने ये देखा था तो भाई साहब मेरा दिमाग अंदर घुसा चला जा रहा था प्रोफेसर आगे क्या करेगा, क्योंकि प्रोफेसर का दिमाग कैसे चलता था हम भी नहीं सोच सकते थे। मैं देख रहा था शायद प्रोफेसर ये करेगा वो करेगा, लेकिन बहनचोद अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है उसका। मैं तो यही बोलूंगा भाई अगर किसी ने नहीं ना देखा तो प्लीज जाके देखे, आपको पता चले कि बहनचोद दिमाग क्या होता है, दिमाग कैसे लगाते हैं, दिमाग हो तो प्रोफेसर जैसा। 3 पे आती है सीरीज द स्ट्रेंजर थिंग्स विद IMDb रेटिंग ऑफ 8.7 आउट ऑफ 10 और ये फर्स्ट प्रीमियर हुई थी 2016 को और इसके 35 एपिसोड्स हैं। बात की जाए इनके मेन कैरेक्टर्स की तो वो है विल, 11, मैक्स, डस्टिन। वैसे तो ये काफी पॉपुलर है आजकल और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी हुआ है, खासकर बच्चों ने। इसमें पहले तो बच्चों के बारे में बताया गया जो कि बोर्ड गेम खेलते थे, तो वैसे भी तभी पबजी वगैरह तो होता नहीं था तो बोर्ड गेम्स इनको काम चलाना पड़ता था। सो इसमें बताया गया कि एक दिन विल जो कि गेम खेल के बाद में अपने घर जा रहा होता है तो दूसरी डायमेंशन का एक कोई मॉन्स्टर आता है जो उसको लेके चला जाता है, कैसे उसके दोस्त उसे बचाने जाते हैं और 11 जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है काफी पॉपुलर है वो भी आजकल, और कैसे वो इस दुनिया में आते हैं, कैसे वो अलग डायमेंशंस में जाते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, काफी इंटरेस्टिंग है सीरीज ये जो आपको देखनी चाहिए और अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर देखें क्योंकि आजकल बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। 4 सीजन्स आए हैं उसके, मेरे ख्याल से 5 भी आने ही वाला होगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं ड्रामा एक्शन मूवीज में, एक्शन वेब सीरीज में, तो आप ये जरूर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक, शेयर और कमेंट करना तो भूलना ही मत, और कमेंट में ये भी बताना कि आपकी सीरीज कौन सी फेवरेट है और आपको कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो नंबर 2 पे आती है सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स विद IMDb रेटिंग ऑफ 8.8 आउट ऑफ 10 जो कि फर्स्ट प्रीमियर हुई थी 2013 में और इसके 6 सीजन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक गैंगस्टर मतलब एक्शन सीरीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। बात की जाए इनके मेन कैरेक्टर्स की तो वो है थॉमस शेल्बी, ऑर्थर शेल्बी, जॉन शेल्बी। काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली भाई सीरीज है, मतलब थॉमस शेल्बी एक मतलब असली है, वो असली सिग्मा जिसको बोलते हैं, आजकल सिग्मा की रील्स भी बहुत चल रही हैं।
जो कि असली सिग्मा बोला जाए ना, परफेक्ट सिग्मा वो है थॉमस शेल्बी। और मतलब मुझे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है कैसे आई टू आई कंटेक्ट रखा जाता है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है, कैसे एकदम हर सिचुएशन में काम रहना है और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो कि बर्मिंगम में घूमती है, आसपास इंग्लैंड में, जो कि थॉमस शेल्बी ने वहां अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है। कुछ महीनों बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ होता है तो थॉमस शेल्बी एक अपनी गैंग बनाता है जिसका नाम होता है पीकी ब्लाइंडर्स, और मतलब क्राइम रेट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, इलीगल काम सब कुछ करते हैं, और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो जाते हैं बर्मिंगम में। तो बहुत सारे विलन्स भी इसमें देखने को मिलेंगे आपको, जो कि वो भी बहुत ही ज्यादा थॉमस शेल्बी से कम्पीट करते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे मतलब थॉमस शेल्बी प्यार में पड़ता है, कैसे वो सिग्मा बनता है, सब कुछ गजब है भाई। उसका बिजनेस, उसके पास पैसा ही बहुत था, कैसे वो मतलब हॉर्सेस है उसको बहुत ज्यादा प्यार था, और जो ग्रेस शेल्बी उसका फर्स्ट एंड लास्ट लव था। 6 सीजन है, काफी इंजॉय करेंगे आप, और जब भी आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया वेब सीरीज लगेगी ये। क्यों नहीं लगेगी भाई, बहुत सारे लोगों ने देखा, आजकल रील्स भी चल रही है टोटली सिग्मा। अगर आप भी सिग्मा हो, अगर अपने आप को आप फुली कॉन्फिडेंट मानते हो, और अगर आप में भी बहुत सारा एटीट्यूड है भाई, तो प्लीज जाके देखें, क्योंकि बहुत बढ़िया वेब सीरीज है। आई हैव नो वर्ड्स। वन पे आती है सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स विद आईएमडीबी रेटिंग ऑफ 9.2 out of 10, जो कि फर्स्ट प्रीमियर हुई थी 2011 को, और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया है क्योंकि इसके मतलब HBO पे ये फर्स्ट प्रीमियर हुई थी और बहुत पॉपुलर हुई थी। बात करी जाए इनके मेन कैरेक्टर्स की, तो आप सबको तो एक चीज का तो पता ही होगा जिसका नाम है मदर ऑफ ड्रैगन, जो एमिली क्लार्क ने एक रोल निभाया है, बहुत फेमस हुआ है। तो और बाकी कैरेक्टर्स भी जो भी काफी फेमस हैं, जैसे कि जॉन, कर्सी, आर्या। ये एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी एक थ्रोन के आसपास घूमती है, मतलब बहुत सारी वॉर्स होती है वो एक सिंगल थ्रोन को पाने के लिए, जिसका नाम होता है आयरन थ्रोन ऑफ द सेवन किंगडम्स। बहुत सारी लड़ाई देखने को मिलेगी, और ड्रैगन्स की तो क्या ही बात है भाई, मतलब वो एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है जिसमें ड्रैगन्स रहते हैं, और कैसे ड्रैगन्स की भी फाइट होती है, जो फायर ही फायर कर देते हैं मतलब सारे में। और एमिली क्लार्क, उसने कैसे अपना रोल बेस्ट बनाया, को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये सीरीज 2011 से लेकर 2019 तक चली थी, और काफी मतलब अच्छी सीरीज है, आज तक की वर्ल्ड की नंबर वन सीरीज भी इसको कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, और काफी मतलब रोमांटिक सीन्स भी हैं इसमें। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी, अगर आप एक्शन, ड्रामा, रोमांटिक मतलब इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज जरूर देखें। और हाँ, ये मत भूलिए कि आपको कमेंट्स भी करने हैं, कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारा चैनल, ताकि रोज आपको वीडियो हमारी मिलती रहे, और बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।